नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश हम कर रहे हैं, उसका कुछ आगे का पार्ट देखते हैं। देखिए, ये दिशाएं मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था दिशाओं के बारे में, तो वहाँ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ट्रिक भी बताया है वीना करके, अगर आपने देखा होगा तो याद होगा वीना। ठीक है, इधर का ट्रिक, ये जो कुछ उससे बताया उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये तो लिखा ही है। अब देखते हैं कुछ सब्जियों के नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं मतलब गिने चुने क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, इससे पहले जो हमने कवर किया वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यहाँ जानना जरूरी है कि सब्जियों को क्या क्या कहते हैं। जैसे अदरक, अदरक को क्या कहते हैं? आदा। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं अदरक को? आदा। अरबी, अरबी टैरो को क्या कहते हैं? कोचई या कोचई। ठीक है, अरबी की सब्जी होती है ऐसा जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, उसे अरबी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में उसे कोचई कहते हैं। आलू, तो आलू कहते हैं। कटहल को कटहर, ल र बन जाता है, कटहल कटहर हो जाएगा। कद्दू मखना होता है। ठीक है, कद्दू को क्या कहते हैं? मखना, मखना। ठीक है, या कोहड़ा भी बोलते हैं, कोहड़ा। ठीक, कद्दू को क्या बोलते हैं? दो चीज़ें, एक तो मखना भी बोलते हैं और एक कोहड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, कद्दू को क्या बोलते हैं? कोहड़ा या फिर मखना। ठीक है, पम्पकिन, याद पता होगा आपको, खाया भी होगा सब्जी इसका, ज़्यादातर पसंद नहीं आता लोगों को। कद्दू, कद्दू को क्या बोलते हैं? मखना या कोहड़ा। ठीक, करील, जो बैम्बू रहते हैं ना, सॉफ्ट बैम्बू, उसका जो स्टिक रहता है उसको घिस के, मतलब उसका ऐसा छोटा 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 घिस के, समझ लीजिए एक बारीक बारीक उसको घिस दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, जैसे नारियल का बूरा होता है उस टाइप का, उसी को बोलते हैं करील। ठीक है, करील ही बोलते हैं, बांस करील भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, करेला को कलेरा बोलते हैं। ठीक है, वो ल और र इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, समझ आ जाएगा। ठीक, कुंदरू को कुंदरू बोलते हैं, खीरा कुकुम्बर को खीरा ककड़ी बोलते हैं, गंवारफली को क्या बोलते हैं यहाँ? चुरचुटिया बोलते हैं। ठीक है, गंवारफली को क्या बोलते हैं? चुरचुटिया। गाजर को गाजर, जीमी कांदा, एलिफेंट फूड को जीमी कांदा ही कहते हैं। टमाटर को पताल कहते हैं। एक और चीज़ है टमाटर के लिए, याद रखिएगा, बंगाला, क्या बोलते हैं? बंगाला। ठीक है, बंगला नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ? बंगाला। ठीक, पताल भी बोलते हैं और बंगाला भी बोलते हैं, ये वर्ड एक बार पूछा गया है। ठीक, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो इसमें नहीं है मैं आपको एडिशनल उसको बताते जा रही हूँ, उसे आप अलग से नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो टमाटर को क्या कहते हैं? पताल और बंगाला। ठीक, वैसा ही एक और है, आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखिए, खरबूजा, खरबूजा को बंगला कहते हैं, बंगला या बंगला। ठीक है, मस्कमेलन, खरबूजा आप जानते हो, खाए भी होंगे, बंगला बोलते हैं उसको, बंगला या बंगला। ठीक है, इसको भी पूछा गया है, और बंगाला, बंगाला इसे भी पूछा गया है। ठीक है, तो बंगाला मतलब होता है पताल या टमाटर, और बंगला मतलब होता है खरबूज। तो जो सेम है ना प्रोनाउंसिएशन वाले, आप उसको एक जगह लिख लीजिए तो आपको डाउट नहीं होगा। बंगाला मतलब टमाटर और बंगला, बंगला मतलब खरबूजा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, टमाटर से आगे देखते हैं। दोड़का, बैट एक होता है उसे दोड़का ही कहते हैं। ठीक है, ढेंस या कमल का जड़ रहता है उसको ढेंस ही बोलते हैं। ठीक, कमल ककड़ी बोलते हैं हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में उसको ढेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढेंस। ये जो है ना कमल ककड़ी, लोटस स्टिक, ये कश्मीर का फेवरेट फूड है, मतलब क्या बोलते हैं, सब्जी है वहाँ का। ठीक है, ढेंस बोलते हैं यहाँ। तोरई को तोरई बोलते हैं, प्याज को बोलते हैं गोंदली, याद होगा गोंदली, गोंदली बोलते हैं। ठीक है, प्याज को क्या बोलते हैं? गोंदली। टमाटर को क्या बोलते हैं? पताल या बंगाला, बंगाला, बंगाला। ठीक है,
टमाटर को पताल या बंगाला कहते हैं, ठीक। बरबट्टी को क्या बोलते हैं, झुनगा या झुरगा, ठीक है, झुनगा या झुरगा कहते हैं बरबट्टी को, ठीक। बरबट्टी बीन्स जो होता है ना, बीन्स लंबी वाली जो आती है ब्लैक और ग्रीन कलर की, उसे ही बोल रहे हैं झुनगा या झुरगा कहते हैं। बैगन को बोलते हैं भाटा, भिंडी को बोलते हैं रमकेलिया, क्या बोलते हैं लेडीज फिंगर को, रमकेलिया, रमकेलिया, ठीक है। भिंडी को क्या कहते हैं, रमकेलिया। मटर को बटरा बोलते हैं, ठीक है, बटर या बटरा, ठीक है। मटर को क्या बोलते हैं, बटरा, बउटरा या बटरा, ठीक है। मशरूम को क्या बोलते हैं, फुटू या पुटू, ठीक है। मशरूम देखे होंगे, उसको क्या कहते हैं यहाँ, फुटू या पुटू, ठीक है। मिर्च को क्या बोलते हैं, मिर्चा, मिर्च को क्या बोलते हैं, मिर्चा, ठीक है। तो कुछ नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो वो होंगे मशरूम होंगे उसे फुटू कहते हैं, मटर होंगे बटरा कहते हैं, भिंडी रमकेलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, रमकेलिया। बैगन को भाटा तो पता होगा, बरबट्टी को झुनगा या झुरगा बोलते हैं, प्याज को बोलते हैं गोंदली, इंपॉर्टेंट है गोंदली बोलते हैं, तोरई को तोरई, ढेस को ढेस, मतलब कमल ककड़ी को ढेस बोलते हैं, याद रखिएगा, कमल ककड़ी दे के पूछेगा आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं ढेस। टमाटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भिंडी मटर टमाटर, और क्या नीचे क्या था, मशरूम, ठीक है। जिमी का तो पता है, टमाटर को बंगाला पताल, गाजर पता है, गंवार फली को चुरचुटिया, याद रखिएगा गंवार फली, ठीक है। और क्या है, करेला कलेरा, करील तो पता है, मखना कद्दू, और एक और बताया था मैंने कोहोड़ा, ठीक है। कटहल को कटहर, अरबी को कोचई, ठीक, याद रखिएगा अरबी भी इम्पोर्टेंट है, अरबी को क्या बोलते हैं, कोचई, अदरक को आधा, ठीक है। आगे देखते हैं, मुनगा ड्रम स्टिक होता है, उसे क्या बोलते हैं, मुनगा, ठीक है। इसको सहजन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, सहजन, ठीक, हिंदी में बोलते हैं सहजन, और ड्रम स्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, और छत्तीसगढ़ी में मुनगा, वो जो हरा हरा लंबा लंबा रहता है ना, उसी को बोल रहे हैं, ठीक, मुनगा, ठीक। मूली, मूली को क्या बोलते हैं, मुरई, मूली को क्या बोलते हैं, मुरई बोलते हैं, ठीक है। रखिया या कुम्हड़ा को क्या बोलते हैं, रखिया या कुम्हड़ा, ठीक है। वो येलो, देखो येलो कलर का होता है, वो पम्पकिन होता है, ठीक है, उसको भी मखना बोलते हैं, उसको भी कुम्हड़ा बोलते हैं। और रखिया जो आता है, ये वाइट कलर का होता है, थोड़ा ग्रीनिश वाइटिश टाइप में होता है, और ये येलो कलर का होता है, तो इसको इसका यूज़ भी वो बड़ी बनाने के लिए भी करते हैं, रखिया कुम्हड़ा, रखिया बड़ी सुने होंगे, तो रखिया इसको कुम्हड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, रखिया को रखिया या कुम्हड़ा बोलते हैं, ठीक, ज़्यादातर रखिया ही कहा जाता है। लहसुन को लहसुन बोलते हैं, लौकी, जो लौकी का बड़ा प्रजाति होता है ना ऐसा गोल वाला, उसको बोलते हैं तुमा, क्या बोलते हैं, तुमा, तुमा, ठीक है। फिर सिंघाड़ा, वाटर नट, जो ऐसा आप देखे होंगे, ऐसा ऐसा हल्का इस शेप में रहता है सिंघाड़ा, उसे क्या कहते हैं, सिंघाड़ा या सिंघरा, कांदा, कांदा बोल देते हैं, ठीक है। सेम, बीन्स को बोलते हैं सेमी, सेम फल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेमी, बीन्स को बोलते हैं सेमी, ठीक है। तो याद रखिएगा, रखिया को याद रखिएगा, रखिया कुम्हड़ा बोलते हैं, मुनगा कुमुनगा, मूली को मुरई, सेम को सेमी, इधर का मैंने बताया था, ठीक है, ठीक। तो ये हमने सब्जियों के नाम किया, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको एक बार हाईलाइट करके भी बताया, आप एक बार पढ़िए आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसमें ना ज़्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है। और आप अगर छत्तीसगढ़ से हैं, अगर छत्तीसगढ़िया हैं, तो आपको ज़्यादातर वर्ड्स पता भी होंगे, ठीक है, कुछ कुछ जो वर्ड होंगे बस वही नहीं पता होंगे, तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दें छत्तीसगढ़ में, आपको एडवांटेज मिलेगा उसका, ठीक है। तो इसके पढ़िए, और जो आपको टफ लगता है उसे नोट डाउन करिए, और उसके बाद उसे लिखिए, ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्री, हमर लोगन सब एक रहे और हर सरकार अपने सफल हो। 2018 में हमर छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान, इसमें हमर छत्तीसगढ़ जो पहला नंबर आए, बहुत तरह अपन सरकारी नौकरियाँ छोड़ के हम अपने भविष्य भर पूरी तरह समर्पित थी, का सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू अपना डाउनलोड करो।